आज हम लोग सीखेंगे मैजिक, जादू। और जादू का काम क्या होता है बच्चों? जादू से हमारा काम आसान हो जाता है ना? तो अभी हम लोग सीखेंगे कुछ मैजिकल वर्ड्स। वैसे तो बहुत सारे मैजिकल वर्ड्स हैं, लेकिन अभी हम लोग इस क्लास में सिर्फ 3 मैजिकल वर्ड्स सीखेंगे, ठीक है? और उस मैजिकल वर्ड्स को सीखने से क्या होगा, सारे लोग आपसे खुश रहेंगे और आप जो चाहते हैं वो आपका पूरा भी होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे लोग कहेंगे ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ये लड़का बहुत ही अच्छा है, ये लड़की बहुत ही अच्छी है। आप चाहते हैं ना कि हर कोई आपसे यही कहे, अच्छे बच्चे, और आपसे खुश रहे और आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो मैजिकल वर्ड है उस वर्ड को कहने से क्या होगा, यही कि लोग आपसे खुश रहेंगे, आपके आसपास के सारे लोग आपसे खुश रहेंगे और फिर से आपको हमेशा वो हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। क्या है वो मैजिकल वर्ड? से थैंक यू व्हेन यू गेट समथिंग, ला ला ला। यस, आपको अगर कोई कुछ दे, आपका हेल्प करे, तो आपको उनसे क्या कहना है? थैंक यू, थैंक यू कहना है। थैंक यू कहने से वो लोग आपसे खुश रहेंगे और हमेशा आपको हेल्प करते रहेंगे, है ना? और आपको आपको जो चाहिए वो आपको देते रहेंगे ताकि आप खुश रहे, है ना? और दूसरा जो मैजिकल वर्ड है वो मैजिकल वर्ड को कहने से आप जो चाहते हैं वो आपके लिए पूरा हो जाएगा, ऑफ कोर्स। तो क्या है वो मैजिकल वर्ड? यस, से प्लीज व्हेन आस्किंग फॉर समथिंग, ला ला ला। आपको प्लीज कहना है, प्लीज वेरी पोलाइटली आपको रिक्वेस्ट करना है, चाहे आप कुछ परमिशन मांग रहे हो या फिर आपको कुछ चाहिए किसी से, तो आपको प्लीज करके मांगना है। कैसे, कहाँ कहना है? प्लीज, जब आप किसी से कुछ परमिशन मांगते हैं, जैसे आपको कहीं जाना है, प्लीज मम्मी मुझे उस जगह पर जाना है, तो आपको जाने मिल जाएगा, है ना? सो पोलाइटली आपको रिक्वेस्ट करना है, क्या करके? प्लीज। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड को कहने से सारे लोग ये सोचेंगे कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आप चाहते हैं ना, तो क्या है ये? यस, से एक्सक्यूज मी व्हेन यू स्नीज, अच्छो। एक्सक्यूज मी कहना है, कब कहना है? जब आपको छींक आए, छींकने के बाद आपको क्या कहना है? एक्सक्यूज मी। इससे क्या होगा? इससे सारे लोग यही सोचेंगे कि ये बच्चा कितना अच्छा है, ये बहुत ही शिष्ट बच्चा है, पोलाइट बच्चा है, है ना? और फिर तो आप अगर ये सोच रहे हैं बच्चों कि ये 3 मैजिकल वर्ड्स आप भूल जाएंगे, डोंट वरी, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। जस्ट ओपन योर बुक। कौन सा बुक खोलना है? यस, योर इंग्लिश बुक सनराइज। और इसमें पेज नंबर 116, उसमें है गुड मैनर्स। ये सारा जो वर्ड्स अभी हम लोग सीखे ना, वो गुड मैनर्स का है। तो चलिए हम लोग इस पोयम को पढ़ते हैं, गुड मैनर्स, और सीखते हैं। गुड मैनर्स यानी अच्छी आदतें। वी से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्स अस। हमें थैंक यू कहना है अगर कोई हमारा हेल्प करे, जब कोई हमारा हेल्प करता है उस समय क्या कहना है? थैंक यू कहना है। थैंक यू कहने से क्या होगा बच्चों? जिसने हमारी हेल्प की है वो हमसे खुश रहेंगे, और फिर हमें जब भी हेल्प की जरूरत होगी तो वो हमेशा हमारी हेल्प करेंगे, करेंगे ना? तो थैंक यू किस स्थिति में, किस जगह में आपको थैंक यू कहना है? मान लीजिए आप स्कूल गए हैं, है ना, स्कूल गए हैं और आप अपना पेन लेके आना भूल गए, अपना पेंसिल लेके आना भूल गए, तो उस जगह पर आपके फ्रेंड्स, स्कूल में कितने सारे फ्रेंड्स हैं आपके, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ खेलते हैं, है ना? तो वो फ्रेंड आपको जब आपको पेन दे तो आपको क्या कहना है? थैंक यू कहना है कि उसने आपको क्या किया, आपका हेल्प किया आपका। फिर वी से प्लीज व्हेन वी नीड परमिशन। हमें प्लीज कहना है, हमें रिक्वेस्ट करनी है बच्चों, जब हमें कुछ परमिशन चाहिए, कुछ आज्ञा चाहिए होती है, ठीक है?
या फिर पानी प्यास लग रही है, पानी पीने के लिए बाहर आप जाना चाहते हैं, तो क्या आप टीचर से बिना पूछे जाएंगे? नहीं ना। तो टीचर से आप पूछिएगा किस तरह, टीचर प्लीज मे आई गो टू टॉयलेट, टीचर प्लीज मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, है ना। इससे टीचर आपको परमिशन दे देगी, प्लीज। ये बहुत ही सुंदर मैजिकल वर्ड है, प्लीज। वी से एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्पीच, जब हम छींकते हैं बच्चों, अच्छू छींकते हैं ना, छींकने के बाद आपको एक्सक्यूज मी कहना है। एक्सक्यूज मी यानी आप माफी मांग रहे हैं, मुझे माफ कीजिए कि मैं आपके सामने छींकी, है ना। तो छींकने पर हमें एक्सक्यूज मी क्यों कहना है? जब हम छींकते हैं, किसी के सामने छींकेंगे, तो क्या वो सही है? नहीं, इट इज बैड, वो बैड है ना। लेकिन हम लोग छींक तो कभी भी आ जाएगी, तो उसको सही करने के लिए हमें क्या कह देना है? एक्सक्यूज मी कहना है। तो वो हो जाएगा आपका गुड मैनर्स, अच्छी आदतें। दैट्स द वे वी डू व्हाट्स राइट, इस तरह से हम लोग वही करेंगे जो क्या है, सही है। सही क्या है? अच्छी आदतों का पालन करना। ये बहुत ही हार्ड नहीं है बच्चों। आपका कोई अगर हेल्प करे तो क्या करना है? थैंक यू बोलना है। आपको कुछ परमिशन चाहिए किसी से भी, तो क्या कहना है? प्लीज करके रिक्वेस्ट करना है। और एक्सक्यूज भी करना है कब? जब आपको छींक आए तो, है ना। और इस तरह से हम लोग वही करेंगे जो सही है। वी हैव मैनर्स, वी आर पोलाइट। तो इससे हमें हमारी आदतें अच्छी होंगी कि हमारे अंदर शिष्टाचार है और हम लोग पोलाइट हैं। पोलाइट किसको कहते हैं बच्चों? वो जो सबका सम्मान करते हो, जो सबका आदर करते हो, है ना। तो जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दीज थ्री मैजिकल वर्ड्स। ये तीनों मैजिकल वर्ड्स को आपको याद रखने हैं। क्या क्या? थैंक यू। थैंक यू कब कहना है? से थैंक यू व्हेन यू गेट समथिंग, ला ला। यस, आपको अगर कोई हेल्प करे तो क्या कहना है बच्चों? थैंक यू। और से प्लीज व्हेन आस्किंग फॉर समथिंग, ला ला। आपको प्लीज कहना है कब? जब आप कुछ परमिशन मांगे, प्लीज। ओके, से एक्सक्यूज मी व्हेन यू स्नीज, अच्छू छींकेंगे जब, तब आपको एक्सक्यूज मी कहना है। और अभी हम लोग इसमें और भी बहुत सारे नए नए शब्दों को देखेंगे, नए नए वर्ड्स को देखेंगे, और उन वर्ड्स को पढ़ करके हमें उन वर्ड्स को जब भी हम लोग कुछ बात करें तो हमको उसको यूज करना है ना। देखिए, न्यू वर्ड्स, नए शब्द। डब्ल्यू ए वाई, वे। वे यानी तरीका, मतलब दैट्स द वे वी डू वर्ड्स राइट। इस तरह से हम जो करेंगे वो सही होगा। नेक्स्ट, स्नीज, एस एन डबल ई जेड ई, स्नीज। स्नीज यानी छींकना। छींक आती है ना आपको भी? तो छींक आएगी तो आपको करना क्या है? यस, एक्सक्यूज भी बोलना है। देन मैनर्स, एम ए एन एन ई आर एस, मैनर्स। मैनर्स यानी आदतें। बच्चों, आदतें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, लेकिन हमें करना क्या है? हमें अच्छी आदतों का पालन करना है, है ना। वी हैव टू फॉलो गुड मैनर्स। गुड मैनर्स में क्या क्या आती है? अगर आपको कोई हेल्प करे तो क्या कहना है? थैंक यू। अगर आपको कोई परमिशन चाहिए तो क्या कहना है? प्लीज करके रिक्वेस्ट करना है। और अगर आप छींकते हैं तब उस समय आपको क्या कहना है? यस, एक्सक्यूज मी कहना है। तो इससे आप क्या कहलाएंगे? पोलाइट कहलाएंगे बच्चों। पी ओ एल आई टी ई, पोलाइट। पोलाइट यानी शिष्ट व्यवहार करने वाला, ठीक है। शिष्ट व्यवहार यानी कि आप जब भी अपने से बड़ों के सामने जाते हैं, या फिर अपने टीचर्स के सामने जाते हैं, अपने चाचा चाची के सामने आप गए हैं, तो आप उनके पास जाते हैं तो क्या बोल करके उनका अभिवादन आप करते हैं? बोलते हैं ना,
नमस्ते, ज्वार, है ना। और आप पैर छूते हैं अपने से बड़ों का, अपने टीचर्स का पैर छू करके उनको सम्मान देते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो ये सब करने से आप कहलाएंगे पोलाइट, ठीक है, शिष्ट कहलाएंगे कि आपका व्यवहार जो है, आपका बिहेवियर जो है वो शिष्ट है, पोलाइट है। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, EXCUSE, एक्सक्यूज ME, यानी मुझे माफ कीजिए। एक्सक्यूज मी कब कहना है? यस, आपको याद हो गया, स्नीज करे तो, जब आप छींके तो। उसके अलावा आप अगर भीड़ में कहीं खांसते हैं तो भी आपको एक्सक्यूज मी कहना है, क्योंकि खांसी, जुकाम, ये सब क्या होती है, ये सबको हमें सबके सामने नहीं करना है, है ना। लेकिन भी ये कभी भी आ सकती है, तो हमें एक्सक्यूज मी करके सबसे माफी मांग लेनी है। और फिर उसके बाद जब बच्चों बहुत भीड़ होती है और हमें वहां पर उस भीड़ में रास्ता बना करके आगे की ओर निकलना है, उस समय क्या हम लोगों को हटाते हुए जाएंगे हाथों से? नो, दैट इज बैड मैनर्स। तो हमें अच्छी आदतों का पालन करना है, तो क्या करेंगे? जस्ट यूज दिस वर्ड एक्सक्यूज मी करके आप पोलाइटली रास्ता लोगों से मांग सकते हैं, वो लोग हट जाएंगे अपने ही। सो है ना ये मैजिकल वर्ड्स, ये है राइट, RIGHT, राइट। राइट यानी सही। सही क्या है बच्चों? बस सही यही है, अच्छी आदतों का पालन करना। और अच्छी आदतें क्या है? थैंक यू कहना है। किनको थैंक यू करना है? जो आपका हेल्प करे, जो आपकी मदद करे, प्लीज करना है। किनको प्लीज कहना है? अगर आप परमिशन चाहते हैं, परमिशन मांग रहे हैं, उस समय आपको प्लीज कह के रिक्वेस्ट करना है। और एक्सक्यूज भी कहना है जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, है ना। और फिर बहुत सारे ऐसे ही मैजिकल वर्ड्स हैं जो हम लोग और भी मैजिकल वर्ड्स अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।